नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्याज के छिलकों को हमें किस तरह से यूज करना चाहिए अपने गार्डनिंग में। प्याज का छिलका दोस्तों बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। इसमें आपको जिंक, पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट्स और भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि आपके पौधों के फूल और फल को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो इससे पहले, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि प्याज के छिलके को किस तरह से हम अपने गार्डनिंग में, अपने ग्रो बैग्स, गमलों में यूज करें जो कि हमारे पौधों के बढ़ने में सहायक हो। तो इसके तीन तरीके हैं दोस्तों जो कि मैं आपको आज बताऊँगा। पहला, प्याज के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर। दूसरा, प्याज के छिलकों से अपने ग्रोबैक्स में मल्चिंग करके। और तीसरा, इसे सुखाकर इसकी हम ड्राई कंपोस्ट बनाएंगे। तो आइए पहला मेथड जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसे देखते हैं। इसके लिए हमें एक लीटर के आसपास का, मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहें तो बड़े में भी बना सकते हैं, एक मुट्ठी प्याज का छिलका, एक रेशियो है, एक लीटर पानी में आप भिगा लीजिए। ये एक मुट्ठी प्याज का छिलका आप किसी भी बर्तन में डाल लीजिए और उसको उसमें एक लीटर पानी आप भर लीजिए। ये दोस्तों आप कम ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं है, पर एक नॉर्मल रेशियो है कि एक मुट्ठा प्याज का छिलका एक लीटर पानी में आप कम से कम 48 घंटे के लिए किसी डार्क प्लेस पे भिगा के रखिए। इस प्रकार एक मुट्ठे प्याज को हमने पानी भर लिया इसमें, मग में एक लीटर पानी। अब इसे हम अच्छे से प्याज को भिगा देंगे और इसे किसी चीज़ से ढक देंगे। ढक के हम इसे डार्क प्लेस में रख देंगे 48 घंटे के लिए कम से कम। 48 घंटे बाद दोस्तों इसे हम निकालेंगे और किसी छन्नी की मदद से छान लेंगे। ये डार्क ब्राउन, देखिए इस प्रकार, ये मैंने पहले से भिगा के रखा हुआ है, इस प्रकार डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये प्योर लिक्विड होगा फर्टिलाइज़र, तो सारा प्याज का जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा ये इस पानी में घुल जाता है। तो ये पौधों में डालने पे डायरेक्ट उनकी जड़ों को मिलता है, तो बहुत तेज़ ग्रोथ करते हैं पौधे। इस प्रकार ये डार्क ब्राउन कलर का पानी हो जाएगा आपको, और आप इसे किसी भी बोतल में रख के उसका ढक्कन बंद करके रख लें, स्टोर कर लें। आप चाहें तो तुरंत यूज कर लें या फिर इसे बाद में यूज कर लें। इसको यूज करने का तरीका है दोस्तों कि एक लीटर 50-50% का रेशियो होना चाहिए। 50% आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र और 50% वाटर आपस में मिला के आप पौधों में डायरेक्ट दीजिए। अगर आपके पौधे बड़े हैं तो आप डायरेक्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपने तैयार किया है इसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पौधे छोटे हैं तो 50-50% का रेशियो रख के आप उन्हें पानी दीजिए। अब दूसरा दोस्तों, प्याज के छिलकों से मल्चिंग। हमारे पौधों में मल्चिंग से दो फायदे होंगे, एक तो मल्चिंग का अपना अलग फ़ायदा है, दूसरा अगर वो प्याज के छिलकों से मल्चिंग है तो जब उसमें हम वाटरिंग करेंगे तो जो प्याज के न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनमें पहुंच जाएंगे। ये मेरा शिमला मिर्च का पौधा है, देखिए इसमें फूल भी आ रहे हैं, तो इनको हम, इस ग्रो बैग को हम प्याज के छिलके से मल्च कर देंगे। तो इसमें जो धूप डायरेक्ट पड़ती है, मिट्टी सूख जाती है, या फिर बारिश हो रही है तो जो पानी डायरेक्ट गिर रहा है तो उसकी वजह से मिट्टी जो है, डायरेक्ट ऊपर से पानी गिरने की वजह से मिट्टी बैठती है उसमें, पानी गिरने से मिट्टी बाहर निकलती है, तो मल्च कर देते हैं जब हम, तो वो नुकसान नहीं होता है। और प्याज के छिलकों से मल्च करने का फ़ायदा ये है कि जब इसमें पानी पड़ेगा तो जो भी प्याज के छिलके के न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे जड़ों में डायरेक्ट जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्याज के छिलके होते बहुत हल्के हैं, तो इसे अगर हम ऐसे ही मल्च करके छोड़ देंगे तो ज़रा सी भी हवा चलेगी तो छिलके उड़ जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें इसमें ऊपर से हल्की मिट्टी भुरभुरी डाल देनी चाहिए। भुरभुरी मिट्टी अगर इसमें ऊपर से डाल देंगे तो उसमें होगा क्या कि हमारी जो मल्चिंग होगी, प्याज के छिलके हैं, हवा चलने से वो उड़ेंगे नहीं, और जब भी हम उसमें वाटरिंग करेंगे तो वो प्याज के न्यूट्रिएंट्स उस पानी के साथ नीचे मिट्टी में, जड़ों में जाएंगी, और कुछ दिन बाद ये प्याज के छिलके आपका डिकम्पोस्ट होकर मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो वे एक तरह से खाद का काम भी करेंगे, कंपोस्ट का काम भी करेंगे। इस प्रकार देखिए, इसे मिट्टी से हमने हल्का हल्का ऊपर से कवर कर दिया है ताकि छिलके उड़े ना, और हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो वो पानी न्यूट्रिएंट्स के साथ नीचे जड़ों में जाएगा और डायरेक्ट जड़ों को मिलेगा। दोस्तों प्याज के छिलके सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पौधों की ग्रोथ में, उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए।
उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्याज के छिलकों से बहुत तेज़ होती है पौधों में। तो तीसरा जो हमारा मेथड है वो हम प्याज के छिलकों को धूप में सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इसे हम किसी मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। प्याज के छिलकों के साथ हम केले के छिलके, अंडों के छिलके और आप चाहें तो उसमें वो चाय की पत्ती सुखाकर धोकर सुखाकर उसे भी डाल लें। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। जो इसमें आपको दोस्तों वाइट वाइट दिख रहा है वो अंडे के छिलके हैं, तो इन्हें हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे और इसे भी हम चाहें तो स्टोर करके रख लें। 15 दिन में आप एक बार ये कंपोस्ट दीजिए, आपके पौधे फूलों से भरे रहेंगे और पौधों में फूल भी आएंगे और फल भी बनेंगे पूरी तरह से। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप प्याज के छिलकों का यूज करते हैं तो आपके किचन वेस्ट से निकले हुए छिलके, किचन वेस्ट आपके पौधों के लिए अमृत का काम करेंगे और आपको अपनी गार्डनिंग में अच्छे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं भी आगे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।